शिकायत की है, परंतु सर उसमें जो जांच अधिकारी थे उन्होंने उस मामले का जिक्र ही नहीं किया जिस मामले की हमने शिकायत की थी। उन्होंने गोलमोल तरीके से आरोपी को बचाने के लिए सर उसने एप्लीकेशन में झूठी जांच आख्या लगा दी। सर गांव का रोहित सिंह है ये सर गैंगस्टर और ये कई अपराध में इनका नाम है, लगभग 35-32 इनके ऊपर मुकदमे हैं सर। हिस्ट्री सीट इनके पीछे हमने लगा रखा सर। 25 तारीख को हमारी सर धान और सरसों की फसल थी, उसको इन्होंने ट्रैक्टर चला के नष्ट कर दिया। ये सर एक आदमी है, इससे हमारा कोई सीधा संबंध नहीं, किराएदारी का मामला है। और इसने जो है फ्रॉड पूरा पेपर तैयार करके और कोर्ट में दाखिल करके स्टे लिया था। उसके बाद जब हमको मालूम हुआ सर, हमने पैरवी करके इसका स्टे हटवा दिया। जिसका जिसको हमने किराए पे दिया था वो आदमी 2.5 साल से उसकी सूरत नहीं देखा, पता नहीं जिंदा है कि मर गया सर। तो हमने जो है उसको SDM साहब से और CO साहब से कहे कि सर मकान अपना खाली करा के उनके यहाँ सामान हमने भिजवा दिया। ठीक है सर, अब ये आदमी फर्जी शिकायत हमारी हर जगह करता है सर। तो एक मिर्जापुर से यहाँ क्यों आ गए? मिर्जापुर से आई हो? हाँ। यहाँ क्यों आ गए मिर्जापुर से? मिर्जापुर का यहाँ थोड़ी लगता है। फूल लगता था उसे सारे खेत बाटे सब लिख दे बाटे घे आम के दो तो बार बच्ची है का खाने सारे। मेरी बेटी की हत्या हुई 2 महीने 20 दिन हो गए, आज तक कोई गिरफ्तार नहीं किया गया, केवल लड़का गिरफ्तार किया गया है। अच्छा। हाँ, और कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। और जो क्षेत्राधिकारी जो घोषणा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं सर। ये हमारी भी विवेचना जो है क्राइम ब्रांच में हो रही है सर, 3 महीने से अधिक समय हो गया सर। वो विवेचना में सर IO साहब से मिलता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, तो यही पता चलता है कि विपक्षियों जो है मिलन अधिकारियों से है, जिसके प्रभाव से विवेचना जो है लेट की जा रही है। आपके पक्ष में कोई अधिकारी नहीं है प्रताप। अच्छा। तो सर जी ऐसी दशा में सर जी हमारी विवेचना प्रतापगढ़ से हटा कर किसी भी अन्य आप अपने क्षेत्र से दर करवा दी। सर दिनांक 27 नवंबर 2022 को मेरे बुआ की शादी थी, उसमें सर पड़ोस का ही एक नामक युवक आया सर, अपने 3-4 साथियों के साथ। सर उसने एक बार फायर किया मेरे घर के सामने चाचा के। सर उसके बाद जब घर वाले बाहर आए तो उन्होंने उसको मना किया। पिस्टल अवैध थी क्योंकि उसका शस्त्र निरस्तीकरण हो चुका था 1 महीना पहले। शस्त्र निरस्तीकरण हो चुका जी। तो सर उसने वहाँ से हट करके स्टेज के पास जाकर के दूसरा फायर किया। अच्छा। सर फायर मिस हो गया, जो दूसरा फायर किया सर उसका वीडियो बन गया। सर उसके बाद जब हमने उसको मना किया तो सर घर वालों को गाली देते हुए सर सभी लोग चले गए। दूसरे दिन सर थाने में 30 तारीख को सर दूसरे दिन पूरा मामला सर ये हुआ कि अभी जाने दीजिए, पहले कार्यक्रम हो जाए उसके बाद शिकायत करते हैं सर। 30 तारीख को स्थानीय थाने में सूचना दी गई, परंतु सर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। सर उसके बाद कप्तान साहब को दिया गया, उनसे भी सर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई सर। सर हम 6 तारीख को आपके पास आए, उस मौके पर आप नहीं थे सर, शिकायत की है, परंतु सर उसमें जो जांच अधिकारी थे उन्होंने उस मामले का जिक्र ही नहीं किया जिस मामले की हमने शिकायत की थी। उन्होंने गोलमोल तरीके से आरोपी को बचाने के लिए सर उसने एप्लीकेशन में झूठी जांच आख्या लगा दी। सर CM महोदय को भी सर उन्होंने गुमराह किया और उच्च अधिकारियों को भी सर गुमराह किया। सर आप देख सकते हैं हमने उसको पूरा लगाया हुआ है। सर उन्होंने जो भी शिकायत की है उस शिकायत के अनुरूप न जा करके सर दूसरा मामला वो उपेक्षित करके ले आ रहे हैं कि मतलब हमारा दोनों का विवाद चल रहा है। सर तो विवाद ये था सर 2020 में हम और मेरे चाचा का लड़का सर छोटा है, हम दोनों सर मार्केट गए थे सर, मुझे दोनों को मारा भी गया सर, उसके बाद हमारे ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया। सर ये जिला बदर और गैंगस्टर इसको सर जिला बदर गुंडा एक्ट और सर इसके ऊपर लगभग दर्जनों मुकदमे हैं सर, फिर भी सर ये हमारे ऊपर ऐसा सर मारने पीटने का आरोप लगा सर। अभी हाल ही में सर इस तरह का सर घटना कर रहा है, उसके बाद सर आवेदक द्वारा अभियुक्त अभियोग में नामजद अभियुक्त है प्रतिपक्षी गण के मध्य पूर्व से रंजिश के कारण, तो इसके पूर्व में आपकी कोई रंजिश नहीं है? नहीं सर, सर केवल विवाद था सर, उसमें हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाया था सर। सर उसमें सर उसमें SO साहब थे सर सत्येंद्र राज साहब जी, सर उन्होंने दोनों पक्षों में NCR दर्ज की थी, परंतु सर IO से मिलकर के इन्होंने अपनी फर्जी तरीके से सर विवेचना करवाई और सर उसमें 325 धारा हमारे ऊपर बढ़वा दी। उन्होंने दिखाया कि इनकी तर्जनी प्रेट है सर, जबकि आज दिन तक इनकी कोई भी अस्थि सर ब्रेक ही नहीं हुई है जब से मैं इनको देख रहा हूँ।
सर मैं पढ़ने लिखने वाला लड़का हूँ सर, प्रेजेंट में पीएचडी कर रहा हूँ सर, इसी वजह से करियर बर्बाद करने की लगातार धमकी देते हैं सर। अब मार्केट और गेट जाते हैं सर, गाली गुप्ता देते रहते हैं 24 घंटा सर, शर्म के मारे कब तक सर निकलना। ये किसने लिखाया था 21/4/2020 को 91/2020 बनाम प्रशांत द्विवेदी, शिव प्रताप द्विवेदी आदि? सर मेरा सर आपने लिखाया था? नहीं, उन्होंने हमारे ऊपर लिखवाया सर, उसका एनसीआर नंबर था सर 16/20। ये 91/20 जो अपराध संख्या है, इसमें वादी कौन है? इसमें वादी अमित कुमार। कौन है अमित? सर वही सुनील कुमार मिश्रा का सर बड़ा भाई है। सर ये कौन है? प्रशांत द्विवेदी आपके पक्ष के लोग? मैं हूँ सर। हाँ मैं हूँ। हाँ तो ये तो मुकदमा खत्म हो गया, इसमें तो लिख रहा आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए 91/20। ये जो रिपोर्ट आई है आपने पढ़ी है? जी। 21/4/20 को थाना स्थानीय पर अपराध संख्या 91/20 325/523/500/506 बनाम प्रशांत द्विवेदी जी, सतीश द्विवेदी, शिव प्रताप द्विवेदी, अभय प्रताप, तेजव दुबे का पूर्वा, झिंगरपुर थाना महेशगंज, प्रतापगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना उदय प्रताप द्वारा संपादित की गई। ये बात सही है जी। विवेचना के क्रम में अभियुक्त अभय प्रताप द्विवेदी का अपराध प्रमाणित नहीं पाए जाने पर लोप किया गया, तो इसका नाम हट गया अभय प्रताप का जी। शिव प्रताप भी मौके पर नहीं थे सर, उसका एफिडेविट दिया गया, दो गवाह दिया गया था, परंतु विवेचना के क्रम में अभियुक्त गण प्रशांत द्विवेदी, सतीश द्विवेदी, ये बाकी का प्रमाणित हो गया सर। एक आदमी का पाया गया कि जो नहीं था बस सर, उसके बाद सर शिव प्रताप के लिए भी सर एफिडेविट दिया गया था, क्योंकि वो बस से सर प्रतापगढ़ से घर आ रहे थे, उन्होंने सर वो आधा घंटा बाद घर पहुंचे थे, मौके पर नहीं थे। लेकिन तो इसमें विवेचना में इतना ज्यादा थोड़ी इंटरफेयर करेंगे सर। लेकिन सर जो हमारी शिकायत है सर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सर, केवल ये बता देते हैं कि ठीक है कल गिरफ्तार कर लेंगे, परसों मुकदमा लिख देंगे। आज तक सर ये देखिए उसका वीडियो भी है, देखिए सर वो लेके जा देखिए सर, इसको कह रहे हैं ये असलाह नहीं है, और सर इसके बजाय वो इसको कह रहे हैं कि ये थी, ये कह रहे हैं ये चीज है सर। वो 30 मीटर रेंज से बनाया गया वीडियो सर, ये आधे मीटर से भी कम का वीडियो बनाया गया। ये कहाँ लेके पहुंच गया था इसको? सर मेरे सर वो जयमाल स्टेज के सर बगल में, देखिए ये सर, ये सर जयमाल चल रहा है यहाँ पर, सर ये फायरिंग कर रहा है सर, एक मेरे घर के जस्ट बगल में आके किया, दूसरा सर यहाँ पे किया। ये शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई किसके खिलाफ हुई है? सर इसी सुनील कुमार मिश्रा के नाम पे सर, जो ये वीडियो में सर फायरिंग कर रहा है सर, पूरा क्षेत्र में भय व्याप्त करके रखा है सर। उसके बाद हम जब मार्केट जाते हैं सर, जब से ये मामला स्टार्ट हुआ है सर, रोज गाली देता है, रोज मारने की धमकी देता है। पुलिस सर आज दिन तक इसके ऊपर FIR नहीं दर्ज की सर, 18 दिन हो गया, कहते हैं चाहे 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 जहाँ चले जाओ सब कुछ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब मैनेज हो जाएगा। ऐसो सर, सर SI साहब हल्के साहब हल्का दरोगा हैं सर, उनको कुछ बताया जाता है तो सर वो नहीं सुनते, यही कहते हैं ऐसो साहब जाने मुकदमा, हम तो लिख के दे दिए हैं। ऐसो साहब से पूछते हैं तो कहते हैं कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, दबिश दी जा रही है, मिल जाएगा, आप बताइए लोकेशन बताइए, हम उसको पकड़वाएँ। चलिए रिपोर्ट के लिए FIR के लिए लिख रहे हैं आपके। गाँव का रोहित सिंह है, ये सर गैंगस्टर और ये कई अपराध में इनका नाम है, लगभग 35-32 इनके ऊपर मुकदमे हैं सर, हिस्ट्री सीट इनके पीछे हमने लगा रखा है सर। 25 तारीख को हमारी सर धान और सरसों की फसल थी, उसको इन्होंने ट्रैक्टर चला के नष्ट कर दिया सर। हम लोग मौके पहुँचे हैं तो गाली गलौज देना शुरू किए, और पुलिस भी 112 को हम निकाल किया, उनके सामने सर ये गाली दे रहे थे। और हम यहाँ चौकी इंचार्ज से मिले, इंस्पेक्टर साहब से मिले, CO साहब से मिले, एडिशनल साहब से मिले, कप्तान साहब से मिले। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जाँच कराएंगे तब, जाँच कराएंगे तब सर। 25 तारीख की घटना है सर, ये हमारी हत्या करवा देगा, बहुत बड़ा अपराधी है सर, प्लीज सर आप ही हैं जो हमारे FIR के लिए लिख रहे हैं जी। FIR के लिए लिख रहे हैं जी, अभी तक FIR नहीं लिखी गई सर, अब लिख जाएगी जी सर। थैंक्स। ये सर एक आदमी है, इससे हमारा कोई सीधा संबंध नहीं, किराएदारी का मामला है, और इसने जो है फ्रॉड पूरा पेपर तैयार करके और
कोर्ट में दाखिल करके स्टे लिया था। उसके बाद जब हमको मालूम हुआ सर, हमने पैर करके इसका स्टे हटवा दिया। जिसका जिसको हमने किराए पे दिया था वो आदमी 2.5 साल से उसकी सूरत नहीं देखा, पता नहीं जिंदा है कि मर गया सर। तो हमने जो है उसको SDM साहब से और CO साहब से कहा कि सर मकान अपना खाली करा के उनके यहाँ सामान हमने भिजवा दिया, ठीक है सर। और ये आदमी फर्जी शिकायत हमारी हर जगह करता है सर, हम बुढ़े आदमी सर, हम परेशान हुए दौड़ते थे, कभी DM साहब के यहाँ जाए, यहाँ तक कि एक मरतबे हम भी पहुँच गए कप्तान साहब के सामने जो है, कप्तान साहब ने इस कदर डांटा इस आदमी को, कह दिया कि आज के बाद मेरे यहाँ नहीं आना सर, आपके यहाँ सर आप ही सब निवेदन है मेरा, आपके यहाँ सर। हमारे यहाँ आया वो? जी हाँ सर, आप हमारे यहाँ आया था वो? जी जी जी, यहाँ सर जी, हम आपको दिखाएं एक उदाहरण देख लें, इतने फ्रॉड करता है वो आदमी कि हम बताएं। एक ही तारीख में दे रहा कि पुलिस वाले हमको पकड़ के एक ही फाइल में लिखते, ठीक सर देख ले सर, ये फ्रॉड किया इसने सर, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं इसने, ठीक है ये उसके खिलाफ लिख के भेज दो, ठीक है करा। अब आए तो बिठा लेना उसके अपनी बात, ठीक सुकवरिया एक मिर्जापुर से यहाँ क्यों आ गए? मिर्जापुर से आई हो? हाँ। यहाँ क्यों आगे मिर्जापुर से? मिर्जापुर का यहाँ थोड़ी लगता है। फूल लग पता होते सारे खेत बाटे सब लिख दे बाते करे आम के दूठ बार बच्ची है का खोल सारे आज एक पता पा कब सारे बजे स्टैंप करके दे देना, कराते हैं ये लेकर जाना वहाँ कप्तान साहब के पास। मेरी बेटी की हत्या हुई 2 महीने 20 दिन हो गए, आज तक कोई गिरफ्तार नहीं किया गया, केवल लड़का गिरफ्तार किया गया है। अच्छा। हाँ, और कोई गिरफ्तार नहीं किया गया, और जो क्षेत्राधिकारी जो घोषणा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमने 21 तारीख को यहाँ पर आए थे, तो आप उसमें व्याख्या जो दी गई है वो गलत दी गई है, झूठी पूरी। और जो सौरभ को दिखा रहे हैं रिपोर्ट सही नहीं है। हाँ, और घोषणा सही नहीं है, घोषणा क्षेत्राधिकारी दूसरे से घोषणा कराएंगे। उनका जो सौरभ को दिखा रहे थे कि यहाँ पर रहता नहीं है, तो सौरभ को देखो हमने FIR भी दर्ज है उनकी थाना में, ये शराब बना करके बेचता था उसी में पकड़ा गया था। और इन्होंने दिखा रहे हैं कि वहाँ धमसर में रहता है और वहाँ रहता है और यहाँ ट्यूबवेल में रहते हैं, ये सब बात दिखा रहे हैं मनगढ़ंत वाली। आज तक जो है गिरफ्तारी नहीं हुई, लड़के भर के गिरफ्तार किया बस। लो इन्हें पेशकार के पास ले जाओ। जी हमारी भी बेचना जो है क्राइम ब्रांच में हो रही है सर, 3 महीने से अधिक समय हो गया सर। वो विवेचना में सर IO साहब से मिलता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, तो यही पता चलता है कि विपक्षियों जो है मिलन अधिकारियों से है, जिसके प्रभाव से विवेचना जो है लेट की जा रही है, आपके पक्ष में कोई अधिकारी नहीं है प्रताप। अच्छा। तो सर जी ऐसी दशा में सर जी हमारी विवेचना प्रतापगढ़ से हटाकर किसी भी अन्यत्र आप अपने क्षेत्र से दर करवा दीजिए तो बहुत न्याय होगा सर, 2 साल की विवेचना हो गई है सर, जनपद प्रतापगढ़ हटा दिया जाए सर। आपके रहते रहते सर न्याय मिल जाए, हम आपके ऊपर न्याय के लिए ही आपके पास आते हैं सर जी, दोबारा हमको आपके जैसे अधिकारी मिले या ना मिले सर, इसीलिए हम आपके पास। पहले भी कहीं चेंज कराई है विवेचना ये? जी सर जी। पहले कहाँ कराई थी चेंज? सर जी क्राइम ब्रांच कराया। आपने कराई? जी सर जी। अब दोबारा थोड़ी होगी फिर, एक बार आप करा चुके हैं। सर जी प्रतापगढ़ से न्याय की उम्मीद नहीं है सर, मैं पहले से ही कह रहा हूँ प्रतापगढ़ से न्याय नहीं मिल सके। कप्तान साहब पास जाता हूँ, साहब पूछते हैं कितना किराया खर्च कर लिए। विवेचना ठीक है, चेंज कर दो। प्रणाम सर।
नवीन शिव हरे।